कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक, गोगा वॉशिंग पाउडर। कानपुर देहात में 14 फरवरी 1981 को बेवही कांड हुआ था, जिसमें 10 से सुंदरी फूलन देवी ने अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर 26 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डाला था, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए थे। बता दें कि इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में भूचाल आ गया था। आज 43 वर्ष बाद 14 फरवरी के दिन ही इस बहुचर्चित बेहमई कांड का स्पेशल टकेती कोर्ट के एडीजी अमित मालविया ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक आरोपी श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और आरोपी विश्वनाथ को दोष मुक्त किया है, साथ ही अर्थदंड भी लगाया। वहीं इस कांड में फरार आरोपी मानी सिंह के खिलाफ कुर्की के आदेश भगोड़ा घोषित किया गया। वहीं इस बेवही कांड के कई आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है, तो वहीं बादी और कई गवाहों की मौत भी हो चुकी है। आज स्पेशल डकैती कोर्ट के एडीजी अमित मालविया ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जहां विश्वनाथ को बरी कर दिया, तो वहीं श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही अर्थदंड भी लगाया। सजा सुनाने के बाद श्याम बाबू को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया है। देश के इस बहुचर्चित बेहमई कांड के 43 वर्ष बाद आज फैसले आने के बाद आरोपी रही विश्वनाथ ने कोर्ट के आदेश पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें आज न्याय मिला है और ईश्वर को धन्यवाद दिया है। आज बेहमई कांड ने अपना फैसला सुनाया है कोर्ट ने, क्या कहेंगे आप? तैतालीस साल हो गए, आज हमको निर्णय मिला था, हम बेकसूर थे, इसलिए ईश्वर ने अच्छा अच्छा निर्णय किया। अच्छा, विश्वनाथ आपका नाम है? हाँ। और जो उस पे जो डाकू थे, उस डाकू की लाइन में आपका नाम था, तो क्या है आज आपको बरी कर दिया है कोर्ट ने? हम नहीं थे भाई, हमको कोई चीज़ मालूम ही नहीं, ये है तो हम कहाँ से हम बता दें किसी को। तो कब से परेशान आप? हम 43 साल हो गए हैं। अच्छा, किसको सजा सुनाई है आपको पता है? श्याम बाबू को। वो कहाँ के रहने वाले? इधर औरैया साइड के हैं, अब तो अंदर। आप कहाँ के रहने वाले थे? हम आइसफॉल के। क्या कोर्ट के फैसले में क्या कर रहे हैं आप? 43 साल आपको परेशान होना पड़ा, आपने बराबर लड़ाई लड़ी, आज फैसला आया, इस पर क्या कहेंगे? अरे हमको बधाई है साहब, उन्होंने जो फैसला दिया अच्छा किया है। आपके साथ आपको सजा पता चली, आपको क्या हुआ है? हमको बरी किया गया है। भैया, 43 साल बाद बेहमई कांड का फैसला कोर्ट ने सुनाया है, क्या लगता है इस फैसले को लेकर 43 साल बाद दो इतनी न्याय प्रक्रिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, न्याय में विलंब, एक तरह से न्याय न देना है। 43 साल तक एक जो वादी था उसकी भी डेथ हो गई, बहुत सारे जो उसके गवाह थे उनकी डेथ हो गई, जो पीड़ित परिवार थे जिनके परिवार के लोगों की हत्या हुई उनमें बहुत सारे लोग अब नहीं रहे जो न्याय पाने की आस में थे, और उसके साथ में इसमें जो बहुत सारे जो मूल्यवान हैं उनकी भी डेथ हो गई। ऐसी स्थितियों में ये एक ऐसा मुकदमा रहा जो दिखाता है भारतीय न्याय व्यवस्था को कि अगर किसी को न्याय से खेलना है तो जो कानून के जो प्राविधान दिए गए उनमें कैसे खेला जाए, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि 14 फरवरी 1981 को ये दुर्दांत घटना घटी थी जिसने पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व में एक तहलका मचाया हुआ था, बहुत दुर्दांत घटना थी, और लगातार आज 43 साल तक दर बदर कानून में न्याय पाने की आस में वादी और हिंदुस्तान का हर ऐसा व्यक्ति जो न्याय के बारे में अगर सोच रखता हो तो निराश हुआ है इस न्याय व्यवस्था से। अच्छा, क्या कहेंगे इस फैसले के बाद आप? फैसला जो भी आया है ठीक है, फैसले के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, फैसला ठीक है, लेकिन फैसला विलंब से है, और इस तरह से अगर विलंब होगा न्याय में तो लोगों की आस्था कहीं ना कहीं न्याय से उठती है। आज विश्वनाथ को बरी किया गया जी, और 43 साल उन्होंने जंग लड़ी, आज ऐसे व्यवस्था मतलब इस तरीके क्या कहेंगे आप? जितनी जानकारी मिल रही है कि जो बरी हुआ है उसको नाबालिग उसने अपने आप को शायद घोषित कराया था, लेकिन किन कागजात पे और कैसे अगर उसकी भी जाँच हो, वो एक कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्थाओं का ही कहीं दोष माना जाएगा कि इन व्यवस्थाओं के तहत एक कोई व्यक्ति बरी हुआ है। ये एक अभियोजन का मामला है, अभियोजन उस मामले में देखेगा, लेकिन
जिस तरह से ये इतना विलंब हुआ है, निश्चित तौर पर न्याय में एक विलंब न्याय का न मिलना ही माना जाएगा। कोर्ट ने क्या कुछ रहा फैसला? बहमई कांड हम सब जानते हैं, इस जनपद का सबसे पुराना मामला है। आज के ही दिन यानी 14 फरवरी 1981 में एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, लूटपाट हुई थी ग्राम बहमई में, 20 लोगों की हत्या थी और 6 लोग उसमें घायल हुए थे। ऐसे कुल 26 के ऊपर हमला हुआ था और पूरे गांव में लूटपाट हुई थी। उस मामले में आज न्यायालय ने अभियुक्त श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी है। अच्छा, इसमें कितने लोग आरोपी थे और कितने को इसमें जो है सजा हुई? हाँ, मूल रूप से जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी 1981 में, उसमें 4 डकैत गिरोह के 35 से 36 लोगों के खिलाफ वो दर्ज हुआ था मुकदमा। और यहाँ पर 2012 में 24 अगस्त 2012 में चार्ज बना था इस मामले में, एक लंबी प्रक्रिया के बाद। और उस मामले में उस समय 5 लोगों के विरुद्ध चार्ज बना था जिन्होंने ट्रायल को फेस किया, उसमें से इस समय 2 अभियुक्त जीवित बचे थे, बाकी 3 की मृत्यु हो गई थी, उन पर आज निर्णय आया। अच्छा, जो जीवित थे उसमें 1 लोगों को उम्र कैद की सजा है और दोषी किसको पाया गया और किस आधार पर पाया गया है? देखिए, ये तो पूरे निर्णय का विषय है पढ़ने के बाद, लेकिन इसमें हमने न्यायालय के सामने सारी परिस्थितियों को साबित किया है और उस समय की जो आइडेंटिफिकेशन परेड हुई थी जिला कारागार में, चाहे वो इटावा का जिला कारागार हो, चाहे कानपुर का जिला कारागार हो, सब जगह आइडेंटिफिकेशन परेड हुई थी, वो भी साबित हुई है न्यायालय में, उसका उल्लेख भी आया है। और इंजर्ड विटनेस जो थे उनका भी बयान हुआ है, तो उनका बयान होने के बाद उसके आधार पर न्यायालय ने पाया है, तो दोनों तरह की साक्ष्य यहाँ पर आई है। इसमें एक आदमी बरी हुआ है, मान सिंह जो इसमें एक आरोपी था वो गिरफ्तारी नहीं किया। मान सिंह को वास्तव में यहाँ पर जब ट्रायल शुरू हुआ और 3 चक्षुदर्शी साक्षी प्रस्तुत किए, उनके बयानों के आधार पर हमने प्रार्थना पत्र यहाँ प्रस्तुत किया था, उस पर न्यायालय ने तलब किया था मान सिंह को। उसके बाद से उसके खिलाफ NBW भी जारी हुआ है और उसको भगोड़ा घोषित करके स्थाई NBW है, 82-83 उसके 2 पते जो उपलब्ध थे न्यायालय पत्रावली में, उन पर कुर्की भी हुई है। अच्छा, बरी किसको किया गया है, दोषमुक्त किया गया है? विश्वनाथ इसमें संदेह का लाभ पाया है और ये वही विश्वनाथ है जिसको 2015 में इसने जुवेनाइल क्लेम किया था। ये बताया था न्यायालय के सामने कि घटना के समय हमारी आयु ये 15 वर्ष की थी, तो उसके आधार पर इसको अवयस्क घोषित किया गया था। यद्यपि राज्य सरकार की ओर से उस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन फाइल किया गया था, वो अभी पेंडिंग है, लेकिन उसमें इसी आधार पर न्यायालय ने उसको संदेह का लाभ दिया है।